ओके कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपने पास कि ही सैड आई टुक माई मील हेयर। सबसे पहले हमें चेक करना है कि आपके पास जो इनडायरेक्ट स्पीच है ये स्पीच है कौन सी, प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। हमने देखा कि ये स्पीच कौन सी है, पास्ट की है, तो हम इसमें कौन कौन चेंजिंग करनी पड़ेगी। हमें चेंज इन प्रोनाउन करना पड़ेगा, चेंज इन टेंस करना पड़ेगा और चेंज इन वर्ड्स करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि लेट्स से ये टेंस है कौन सा, आई टुक माई मील हेयर, मीन्स ये आपके पास प्रेजेंट पास्ट का इनडेफिनेट है, पास्ट इनडेफिनेट टेंस है आपके पास ये, तो इसको चेंज करोगे आप पास्ट के परफेक्ट में। देन उसके बाद इसको हमने लिखा सबसे पहले ही सैड। अब ये सेंटेंस आपके पास असर्टिव सेंटेंस है, तो आप क्या करोगे इसमें चेंजिंग करोगे, आप इस कॉमे को रिमूव करके आप यूज़ करोगे डैट। हमने कॉमे को हटा के हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, डैट यूज़ किया। अब इसने किससे पूछा, ही सैड आई टुक माई मील हेयर, ये कौन पूछ रहा है, ये ही पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर देंगे, आई की जगह ही यूज़ कर देंगे। इसको टेंस को हमें चेंज करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो पास्ट परफेक्ट में क्या कर देंगे, टुक की जगह हम लोग यहाँ पे लगा देंगे हैड टेकन। जब यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, माई जो यूज़ कर रहा था वो आई की वजह से यूज़ कर रहा था, आई किस में चेंज होगा, ही में, तो माई भी चेंज किस में हो जाएगा हमारे पास, हिम के अंदर या हिज में। ही सैड डैट ही हैड टेकन हिज मील, हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, मीन्स यहाँ हमने चेंजिंग करी, चेंज इन प्रोनाउन किया, चेंज इन टेंस किया और चेंज इन वर्ड्स किया। हम तीन चेंज इन करते हैं किसके अंदर, असर्टिव सेंटेंस के अंदर, और डैट को कॉमे को हटा के हम क्या यूज़ करते हैं, डैट यूज़ करते हैं इनवर्टेड कॉमा हटा के। देन उसके बाद सेकंड सेंटेंस आपके पास, शी सैड दिस इज़ माई बुक। हमने पढ़ा क्या, लेट से हम लोग क्या करेंगे, शी को शी रहने देंगे, ये हमारा पास का टेंस था, तो पास में हम तीन चेंजिंग करते हैं, चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउंस और चेंज इन वर्ड्स। तो हमने शी सैड सेम टू सेम रखा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने क्या यूज़ कर दिया, डैट यूज़ कर दिया। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि यार डैट को हटा के क्या करना है, दिस को हटा के हमने क्या डैट यूज़ करना, दिस की जगह डैट यूज़ करना था, तो हम इसको हटा के हमने डैट यूज़ कर लिया। ये टेंस कौन सा था आपके पास, इज़ लगा हुआ, मीन्स आपका प्रेजेंट का टेंस था, किस में चेंज करना है, पास के टेंस में चेंज करना है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, इसकी जगह वज यूज़ कर लिया, कि शी सैड डैट डैट वज। अभी शी माय की बात कर रहा है, मतलब शी की बात कर रहा है, तो शी की जगह हर को कर देंगे, हर बुक। ठीक है, सेंटेंस हम देखें, शी सैड डैट डैट वॉज हर बुक। अब यहाँ डैट दो दफ़ा आ गया, मीन्स अजीब लग रहा है, मीन्स हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम एक डैट क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, शी सैड डैट वॉज हर बुक। या हम इसको एक और कर सकते हैं कि शी सैड डैट इट वॉज हर बुक। अभी हम फिलहाल इस टेंस के अंदर दिस की जगह क्या कर सकते हैं, इट भी यूज़ कर सकते हैं सिंपल करने के लिए। देन उसके बाद ही विल से आई विल फ्लाई अ काइट। अब हमें चेक करना है कि डायरेक्ट स्पीच जो है, इनडायरेक्ट स्पीच जो है, ये कौन सी टेंस है। ये हमारे पास विल लगा है, मीन्स फ्यूचर का टेंस है, तो फ्यूचर के अंदर हम कौन सा चेंज करनी थी, चेंज इन टेंस करना था, थोड़ी चेंज इन प्रोनाउन करना था, बाकी चेंज इन टेंस नहीं करेंगे, चेंज इन वर्ड्स भी नहीं करेंगे। अब यहाँ टेंस कौन सा लिखा है आपके पास, फ्यूचर का टेंस है, तो इसको भी हमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी है, फ्यूचर की, तो इस फ्यूचर में सिर्फ हम चेंज इन प्रोनाउन करेंगे। ही विल से आई विल फ्लाई अ काइट, कौन कह रहा है, ये ही कह रहा है, तो हम खाली प्रोनाउन चेंज करेंगे, ही विल से, कॉमा हटा के और अपोस्ट्रोफी हटा के हम क्या कर देंगे, डैट यूज़ कर लेंगे, डैट आई के का क्या यूज़ करेंगे, हम ही यूज़ करेंगे कि ही विल फ्लाई आ काइट। मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपके पास जब फ्यूचर था या प्रेजेंट भी होगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ चेंज इन प्रोनाउन करेंगे और ना चेंज इन प्रोनाउन करेंगे सिर्फ बल्कि और ना और बिल्कुल टेंस वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। देन उसके बाद दे सेड वी डू नॉट सी द थिंग्स एज आर टीचर टोल्ड अस। हमने वो चीज़ें नहीं देखी जो हमारे टीचर ने बताई थी। अब लेट्स से ये वी की बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, दे के लिए भी यूज़ करेंगे। अब वी चेंज हो जाएगा किस में, दे में, कि दे सैड डैट, वी को हम चेंज कर देंगे दे के अंदर, कि दे सैड डैट दे, हमें टेंस चेक करना है, हमें यहाँ पे यूज़ कर रहा है हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए डू यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसमें चेंज हो जाएगा डिड के अंदर, कि दे डिड नॉट सी द थिंग्स एज। जब यहाँ पे हम लोगों ने वी यूज़ किया था, इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज़ किया था प्रोनाउन। जब यहाँ पे आर चेंज, जब वी चेंज हो रहा है दे में, तो इसका भी प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आर का भी प्रोनाउन चेंज कर देंगे हम लोग अस में।
सॉरी देयर देयर में कि दे सेड दैट दे डिड नॉट सी द थिंग्स एज देयर टीचर. अब हम आगे टेंस चेक करना है कि लिखा हुआ है आर टीचर टोल्ड अस. आर टीचर टोल्ड अस मीन्स ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसको चेंज करना है पास्ट के परफेक्ट में. तो देयर टीचर हैड टोल्ड देम मीन्स हमने क्या करा है इस टेंस के अंदर, प्रोनाउन चेंज किया, टेंस चेंज किया, वर्ड्स इसमें कोई चेंज करने वाले नहीं थे इसलिए हमने वो चेंज नहीं किए. देन उसके बाद शी सेड आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट वेयर आई मेट, देयर आई मेट अ चाइल्ड हु वॉज आस्किंग फॉर मनी. अब यहाँ पे लेट से दो तीन सेंटेंसेज हैं, क्या करना है हर सेंटेंस जितने भी सेंटेंस होंगे आपके पास आपको चेंज करना पड़ेगा. मेरे डायरेक्ट स्पीच में जितने भी आपके पास टेंसेज आ रहे होंगे आपको सबको चेंज करना है. हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स हमें चेक करना है पहले आपके पास ये क्या चीज़ है इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट फॉर्म है. अगर पास्ट का टेंस हम तीन चेंजिंग करेंगे, चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउन और चेंज इन वर्ड्स. आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, ये आई कौन यूज़ कर रहा है, मतलब ये बोल कौन रही है, शी बोल रही है, तो हम यहाँ क्या वहाँ भी क्या यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे कि शी सैड डैट शी आई वॉज गोइंग. ये कौन सा टेंस है पास्ट का कंटिन्यूस का, तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में कि शी हैड बिन गोइंग टू द मार्केट. फिर यहाँ पे यूज हो रहा है देयर. हमने पढ़ा था कि लेट्स से आपके पास अगर हेयर होगा, अगर आपके पास हेयर है तो उसको आप चेंज करोगे किस में, देयर में. लेकिन अगर आपके पास देयर है तो आप इसका कोई भी चेंजिंग नहीं करोगे, तो देयर सेम टू सेम आ जाएगा देयर. आई मेड अ चाइल्ड, आई मेड अ चाइल्ड, तो इसको क्या कर देंगे, आई को भी हम किस में चेंज किया, शी की बात कर रहा है तो देयर शी. अब ये टेंस कौन सा आपके पास, पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसको चेंज करोगे आप पास्ट के परफेक्ट में, तो शी हैड मेड अ चाइल्ड हु वॉज आस्किंग फॉर मनी. ये हु वॉज आस्किंग से कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट का कंटिन्यूस है, तो उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में कि हु हैड बिन आस्किंग फॉर मनी. मीन्स जहाँ भी आपके पास लेट्स से टेंस होगा दो, अगर सिंगल सेंटेंस के अंदर आपके पास तीन टेंसेज हैं तो आप तीनों को टेंस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. देन उसके बाद हम लोगों के पास एक टेंस है नंबर सिक्स पे, हम आते हैं कि शी सेड इफ माई अब्बा बीट्स मी, ही सेड इफ माई अब्बा बीट्स मी आई विल लीव होम. अब इसमें हमने क्या किया, कंडीशनल सेंटेंस यूज़ कर लिया. तो कंडीशनल हम क्या करेंगे, अगर कंडीशनल टाइप वन होगी तो उसमें चेंज करेंगे कंडीशनल टाइप टू के अंदर, लेकिन अगर आपके पास कंडीशनल टाइप टू या थ्री का सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे. तो ये चेंज हो सकता है हमारे पास, ही सैड, यहाँ पे हम डैट यूज नहीं करेंगे. ही सैड इफ माई अब्बा बीट्स मी, ये कौन कह रहा है, माई कौन यूज़ कर रहा है, अपने लिए ही यूज़ कर रहा है, तो ही के लिए क्या, अब यहाँ पे हम माई के क्या यूज़ कर देंगे, ही यूज़ कर देंगे कि ही सैड इफ हिज अब्बा बीट्स, कौन से ये टेंस कौन सा यूज़ कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर रहा है, तो उसको चेंज कर देंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में. ही सैड इफ हिज अब्बा बेट हिम, हमने सेकेंड टेंस यूज़ कर लिया. देन उसके बाद कोमा, आई को भी हम चेंज कर देंगे ही के अंदर, ही वुड, यहाँ पे हमें टेंस चेंज करना है, ही वुड लीव होम. मीन हमने कंडीशनल टाइप वन को चेंज कर दिया कंडीशनल टाइप टू के अंदर, लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशनल टाइप टू होती या थ्री होती उसको हम चेंज नहीं करते. देन उसके बाद आप बात करते हैं इंटरोगेटिव की. इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, अगर आपके पास दो टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं, एक होता है कन्फर्मेटिव, एक होता है इन्फॉर्मेटिव. अगर आपके पास कन्फर्मेटिव है मीन्स आपके पास स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो उसको हम चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब को इफ़ के अंदर, इफ़ या वेदर हम यूज़ कर लेंगे स्टार्ट में. जैसे यहाँ लिखा हुआ है शब्बू सेड अकरम डिड यू सी व्हाट आई सॉ, वो एक बंदे से पूछते गया तुमने वो चीज़ देखी जो मैंने देखी, उसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो क्या हो जाएगा शब्बू. अब ये पूछ रही है तो हम इसको सेड को हटा के क्या कर देंगे, आस्क कर देंगे कि शब्बो आस्क्ड अकरम. देन उसके यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, इफ़ यूज़ करना है. जब भी आपके पास कन्फर्मेटिव का सेंटेंस होगा, अब
मतलब कन्फर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे इफ़, और टेंस को क्या कर देंगे हमें प्रेजेंट में चेंज कर देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल इसको असर्टिव वाले सेंटेंस में लेके आ जाएंगे कि डिड यू सी, डिड यू सी को हम क्या चेंज कर देंगे, शब्द कौन बात कर रहा है कि डिड यू सी, या अक्रम की बात कर रहा है तो अक्रम आ जाएगा यहाँ पे कि इफ़ ही हैड सीन वॉट आई सॉ, ये आई कौन है यहाँ पे, शब्बू बात कर रही है अपनी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉट शी हैड सीन। मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ पे पहले सेट टू को हटा के हमने क्या करा आस्क में चेंज किया क्योंकि सवाल पूछ रहा है हमारे पास। देन उसके बाद आपके पास यहाँ लिखा था डिड यू सी, डिड यू सी क्या था हमारे पास कन्फर्मेटिव था, तो कन्फर्मेटिव के लिए हमने क्या करा यहाँ पे इफ़ यूज़ किया। उसके बाद टेंस को मैंने क्या किया सिंपल किया, मीन्स इसको पहले मैं इसको असर्टिव सेंटेंस में लेके आ गया, हमने क्या यूज़ किया यू, यू किसकी बात कर रहा था अक्रम की बात कर रहा, तो मैंने अक्रम को चेंज कर दिया ही के अंदर। देन ये टेंस कौन सा बना था, डिड यू सी कौन सा टेंस है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसको मैंने चेंज कर दिया पास्ट के परफेक्ट में इफ़ ही हैड सीन व्हाट आई सॉ, आई सॉ कौन सा टेंस है हमारे पास, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, उसको हमने चेंज कर दिया पास्ट के परफेक्ट में आई सॉ, आई मतलब आई कौन बात कर रहा, शब्बो बात कर रही है, तो हमने क्या यूज़ किया शी हैड सीन। देन उसके बाद एक और सेंटेंस देखते हैं कि शी सेड टू मी हैव यू आ स्पेयर पेंसिल, क्या आपके पास एक स्पेयर पेंसिल है, ये पूछ रहा है मुझसे, तो इसको हम चेंज करते हैं। पहले हमें चेंज करना है टेंस कौन सा, ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये हमारे पास पास्ट का है तो इसको हमें चेंजिंग करनी है, तीन टाइप की चेंजिंग करेंगे कि शी आक्स मी। अब यहाँ भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हैव से स्टार्ट हो रहा है, मीन ये कन्फर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ ये पूछ किससे रहा है, शी सेड टू मी इफ़ यू हैव, तो ये मेरी बात कर रहा है, तो ये यहाँ भी क्या हम क्या यूज़ करेंगे आई यूज़ करेंगे इफ़ आई हैड अ स्पेयर पेंसिल। मीन्स हमने यहाँ पे हैव को चेंज कर दिया किसके अंदर, हैड के अंदर, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया सिंपल सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने कन्फर्मेटिव की बात की ऊपर कि कन्फर्मेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं इफ़ यूज़ करेंगे, वेदर यूज़ करेंगे, फिर टेंस को चेंज कर देंगे। और अगर लेट्स आपके पास इंटरोगेटिव में लिखा होगा तो उसको किस में चेंज करोगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करोगे। लेकिन आपके पास सेकंड इंटरोगेटिव होता है इन्फॉर्मेटिव वाला, तो इन्फॉर्मेटिव में क्या करेंगे यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा होगा, वैन से, वियर से, वॉट से, हु से, तो इसमें हम क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले हमें वही चेंजिंग करनी है कि ही सेड टू मी, इसने मुझसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग ही आस्क्ड मी वेयर, सेम टू सेम आ जाएगा हमारे पास वेयर आर यू गोइंग, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, मुझसे पूछ रहा है तो इसको यू को हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में कि वेयर आई वॉज गोइंग, क्योंकि ये टेंस जो होता है कौन सा टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमें चेंज करना है पास के कंटिन्यूस में, वेयर सेम टू सेम रहा हमारे पास, यू को हमने चेंज किया उसके प्रोनाउन के अंदर, मीन्स हमें चेंज इन प्रोनाउन भी करना था, तो किसने मुझसे पूछा था तो मैंने अपने नाम के लिए यूज़ किया आई, और हमारे पास इस ये सेंटेंस भी कौन सा था हमारे पास इंटरोगेटिव का, तो हमें चेंज करना है इसको असर्टिव स्टाइल में कि आई वॉज गोइंग डॉट, यहाँ पे ख़त्म होता है। देन उसके बाद एक सेंटेंस और कि आई आस्क्ड हिम व्हेन विल यू कम हैव अगेन, तो इसको हम चेंज करते हैं कि आई, अब यहाँ पे आस्क सिंपल लिखा है तो यहाँ पे आस्क्ड आस्क्ड रहेगा कि आई आस्क्ड हिम व्हेन, अब हम आगे चेक करना है कि यार ये सेंटेंस है कौन सा, ये प्रेजेंट का टेंस है ये फ्यूचर का टेंस, ये फ्यूचर का टेंस है तो हमें चेंज क्या करना है इसको वुड में चेंज कर देंगे, मिस खाली विल को हम चेंज कर देंगे वुड के अंदर, तो वुड चेंज करना है कि व्हेन, अब पूछ किससे रहा है ये हिम, मतलब सामने वाले से पूछ रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे ही यूज़ करेंगे कि आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड कम, हेयर चेंज हो जाएगा देयर के अंदर, कम देयर अगेन, यह हमने सीखा किसके बारे में असर्टिव सेंटेंस के बारे में, उसके बाद इंफॉर्मेटिव वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के कन्फर्मेटिव में और इंटरोगेटिव में हम क्या रूल फॉलो करते हैं।